प्रकाशित सुसमाचार 11 अध्याय का 39वां वचन। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। उसको सुनते ही वे सब उस पत्थर को वहां से हटा दिए। वहां एक अद्भुत काम हुआ, ये लाजर बाहर निकलो, ऐसे प्रभु यीशु ने ऊंचे आवाज से उनको पुकारा। ये शब्द को सुन के जो मर के 4 दिन हो गया दुर्गंध के शरीर में था, जीवितों के बाहर आया। जरूर उसने अद्भुत काम किया, उन्हें जीवित करने वाला परमेश्वर उनके बंधन को भी खोल सकते थे, लेकिन परमेश्वर औरों से कहा, इनकी बंधन को तुम सब खोल दो, पत्थर का हटाओ। इसका मतलब है जो काम हमें करना है उसे हमें ही करना होगा। प्रभु अपने काम को करेंगे, हमें जो पत्थर हटाने का काम है तो हमें जरूर उसी को करना है। जीवन देना परमेश्वर का काम है। बंधन को खोलने के लिए परमेश्वर कहता था, आइए आओ इनके बंधन को खोल दो। मर के 4 दिन हो गया, दुर्गंध आ गया, वो अभी जो है जीवित होके बाहर आ रहा है। 100 प्रसिद्ध के अद्भुत काम हुआ है। लाजर को देख सकते हैं, ये आत्मा के रूप में नहीं है अभी। मर के जो दुर्गंध देने वाला शरीर में जो अंदर था वो अभी जीवित होके वापस आ गया। इसका मतलब परमेश्वर जो भी काम करता 100 प्रसिद्ध का अद्भुत काम करता है। जो भी प्रभु यीशु करता है सर्व सिद्ध के रूप में करता है। उनके बंधन को खोल दिया गया, वो खुशी खुशी वहां से गया। बंधन को खोल के एक अद्भुत रीति से उनको चमत्कार किया, वो खुशी खुशी घर लौटा है। कितने बड़े आनंद है। परमेश्वर कहता है तेरा दुख जो है खुशी में बदलेगा। जल्द ही तेरा दुख का अंत होने वाली है। तेरे परेशानियों की सारी बातों का परमेश्वर अंत करने वाला है। डरना नहीं, आज भी परमेश्वर उस काम को कर सकता है। जीवन मृत्यु दोनों उनके हाथ में है। इसको सुनने वाले बीमार होंगे या कमजोर होंगे, आज आपका जीवन में मृत्यु की स्थिति में आगे होंगे, लेकिन परमेश्वर विजय को दे सकता, जीवन को दे सकता, उनसे असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।